हे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है स्ट्रेटजी पीसीएस में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेजर करंट इवेंट्स जो हुए हैं लास्ट वीक। हम द हिंदू, द निजावरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे न्यूज़ में जितनी भी न्यूज़ थी न्यूज़पेपर्स में, वो सारी की सारी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे गगनयान से, बिकॉज इंडिया स्पेस मिशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम गगनयान। देखते हैं गगनयान में क्या क्या है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने अभी एक लिस्ट फाइनल करी है, जो कि 4 लोग जा रहे हैं हमारे गगनयान में, और फर्स्ट क्रूड फ्लाइट जो होगी उसकी शेड्यूल है कब, 2025। तो ये 2025 की डेट आपको याद रखनी है, 2025, कि भैया यहाँ पे लोग जाएंगे, पहला क्रूड मिशन हमारा होगा। गगनयान का है क्या? गगनयान इज द नेम ऑफ द इसरो मिशन टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। 2025 में जाएंगे, और कहाँ पर जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, जिसको मैं LEU के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्बिट होती हैं, मैं साइंस की जब वीडियोज़ बनाऊंगा वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को। तो लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट किया इसरो को कि आप एक इंडिजिनस स्पेस स्टेशन बना दीजिए। तो ये 2035 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 तक हमको एक स्पेस स्टेशन चाहिए, ठीक है, 2035। और 2040 में फिर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि हमारा जो है मून पे, हम जा तो चुके हैं बट हमारा ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, तो ह्यूमन को हमको अपना लैंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली गगनयान के बारे में जो बातें नोटिस करने वाली हैं वो ये हैं कि LMV-3 इज द लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल का नाम है LMV-3। इसको पहले GSLV Mark III भी कहते थे। ये 3 स्टेज का रॉकेट है, जैसे 3 स्टेज रॉकेट, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज कंप्राइसेस ऑफ द 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स टू स्ट्रैप टू द रॉकेट कोर। रॉकेट की कोर है, जैसे मान लो ये रॉकेट है, तो इस रॉकेट से 2 बूस्टर हमने सॉलिड लगा दिए। ये फर्स्ट स्टेज के 2 बूस्टर हैं, फर्स्ट स्टेज के। तो ये दोनों जो हैं ये सॉलिड स्टेज के बूस्टर हैं। सेकेंड स्टेज इज पावर्ड बाय 2 लिक्विड फ्यूल्ड एंड क्लस्टर्ड विकास टू इंजन। अब नेक्स्ट स्टेज के लिए इसमें क्या लगा दिया? 2 विकास इंजन और लगा दिए, 2 इंजन और लगा दिए। ये इसकी सेकेंड स्टेज हो गई इसके, ठीक है जी। बस आपके उसके लिए बता रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 बूस्टर और लगा दिए इस स्टेप के लिए। थर्ड स्टेज जो होती है CE-20, इसको कहते हैं, वो क्रायोजेनिक इंजन उसमें लगा हुआ है, जिसमें कि लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। एग्जामिनर पूछते हैं कि जो क्रायोजेनिक स्टेज है, उस क्रायोजेनिक स्टेज में एज ए फ्यूल क्या यूज़ होता है, क्रायोजेनिक स्टेज में एज ए फ्यूल क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूल जो होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजर के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजर के यूज़ में हम क्या करते हैं, हम लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजर। तो ये लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी 3 स्टेज में है। और फिर चूंकि ये इसमें एक क्रूड मिशन भी है, तो इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल है जो कि 8.2 टन का है, इसी को हम लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लें कि किस ऑर्बिट में ले जाएंगे, तो आप बोलोगे लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिंपल सी न्यूज है, PPP के सरफराज बुगती को अनपोस्ट इलेक्ट कर लिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान। क्या नाम है इनका? सरफराज बुगती। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इस न्यूज में। चलते हैं नेक्स्ट पे। AN-32 एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द फर्स्ट फिक्स्ड विंग्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड एट द नयोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड इन 2009। AN-32 एयरक्राफ्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मराठा कम्युनिटी को 10% का रिजर्वेशन दिया है, राइट? कहते ये हैं कि 50% से ज़्यादा की लिमिट होनी नहीं चाहिए कोटा की, ये 50% को एक्सीड कर दिया जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को चैलेंज किया गया है। ये मराठा को बिल देने वाला बिल पास कब किया गया है? ये पास किया गया है 20 फरवरी 2024 को। इतना सा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर त्रिपुरा गवर्नमेंट साइंड पैक्ट
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिपरा क्या है। टिपरा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो टिपरा इज टिपरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। इन्होंने अभी इसने दूसरे के साथ त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने और तीसरा सेंटर, तो इन तीन लोगों ने मिलकर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट साइन किया है तो एग्रीमेंट करेगा क्या, जो कि वहाँ के इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल जो कि लोग वहाँ के बिलोंग करते हैं, वहाँ के नेटिव हैं, वो 33% पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं और इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया है। तो अभी क्या करेंगे कि एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई गई है टू रिजॉल्व द इशूज ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट। किस स्टेट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस स्टेट के साथ ट्राइपार्टाइट साइन हुआ है, आप बोलेंगे त्रिपुरा के साथ हुआ है। दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के लाइक जरूर करना। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ठीक है, मराठा का हमने कवर कर लिया, त्रिपुरा कवर कर लिया, AN-32 कवर कर लिया, सरफराज बुगाती गगनयान हो गया। हम बात करेंगे अभी जो रेड सी में हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि रेड सी के आसपास जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इनके नाम याद कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से कंट्री हैं। हो क्या रहा है कि रेड से रिले से होकर जो शिप्स जा रही हैं उनको यमन के हाउथी रिबिल जो हैं बार बार टारगेट करते हैं। हाउथी रिबिल हैं कहाँ के, यमन लोकेशन पे हैं ये, उसको बार बार टारगेट करते हैं। इसकी एक और ख़ास बात है कि ये ईरान बैग्ड है, ईरान इन्हें सपोर्ट करता है दुनिया में टेंशन क्रिएट करने के लिए। 18 फरवरी को इन्होंने एक कार्गो शिप जिसका नाम है रूबीमिर, इस रूबीमिर को इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है। तो ये शिप्स के नाम याद रख लीजिएगा, काफ़ी सारे शिप्स पे अटैक हुआ है, उन्हीं में से एक रूबीमिर भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूज़ पे, सॉरी। शहबाज सेट टू बिकम पाक PM। वैसे तो US ने बोल दिया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे के पूरे फ्रॉड हैं। यूपी की इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो है वो 96% कवरेज कवर कर चुकी है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई डिजीज़ है उसके अगेंस्ट हम आपको वैक्सीन लगा रहे हैं, वो इम्यूनाइजेशन होता है, जैसे जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ जाए। इम्यूनिटी ग्रो कराने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, उसी को वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम को ही हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यूपी में ये कवरेज हो गया है 96%। ठीक है, देखो 41,41,003 लोगों को इसमें ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, इंडियंस एग्जिबिट मोस्ट डाइवर्स नियंदरथल XTD, ये वहाँ के इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इंडिया एंड अमेरिकन रिसर्चर्स हैव अनअर्थ सब्सटेंशियल नियंदरथल्स जीन्स इन मॉडर्न इंडियन DNA ओवरटर्निंग प्रीवियस असम्पशंस। FMCG सेक्टर जो होता है वो यूपी में बहुत तेजी के साथ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इसको बोलते हैं। मदरहुड एक फुल टाइम जॉब है, अभी इसने इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है मदर हाई कोर्ट एक फुल टाइम जॉब है और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 24 के तहत उन्होंने याचिका जारी करी थी, सेक्शन 24 जो है तुम्हारा ये जो मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप सेक्शन 4 के अंदर कंपनसेशन मांग सकते हो अगर आप इन केस आपका तलाक होता है फीमेल्स के लिए है। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम 36,000 क्यों दें, वो कैपेबल है कर सकती है, लेकिन फिर भी कंपनसेशन दिया क्योंकि वेमेन ने बोला कि भाई इन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी न्यूज़ के लिए, यहाँ पे आपको ये कटिंग सारी मिल जाएंगी। इंडिया टू सी वार्मर समर एज एल नीनो कंडीशंस कंटिन्यू। दो चीज़ें होती हैं, एल नीनो होता है, ला नीना होता है। एल नीनो में हमारे यहाँ क्या होती है, लेस रेनफॉल होती है। ला नीनो में, ला में क्या होता है, इंडिया में एल नीनो जब भी होता है तो हमारे यहाँ लेस रेनफॉल होती है, और जब ला नीना होता है तो हमारे यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। इस चीज़ को याद करके रख लीजिए। तो अभी ये यही बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ समर जो होगा ये ज़्यादा गर्म होगा, एल नीनो कंडीशंस तुम्हारी बन रही हैं, हमारे यहाँ लेस रेनफॉल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। द कंट्री इज़ लाइकली टू रिकॉर्ड अबव नॉर्मल रेनफॉल इन मार्च, मार्च में रेनफॉल ज़्यादा होगा ड्यू टू एल नीनो इम्पैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे।
अच्छा अभी देखना राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं। राज्यसभा में देखो, हमारे लोकसभा में इलेक्शंस जो होते हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो हमारे राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, सपोज करो ये इतने सारे लोग हैं ना, दिस इज नॉर्मल पीपल, ये क्या करते हैं अपने में से कुछ एमपी एमएलए चुनते हैं, इन्होंने अपने ऊपर कुछ एमपी एमएलए को चुना लोकसभा के चुनाव जब हुए, ये लोकसभा के चुनाव हो गए, इनमें से ये फिर अपने आप में से कुछ को चुनते हैं वो तुम्हारे राज्यसभा होते हैं, क्योंकि इसके चुनाव में इसका कोई रोल नहीं होता, ये इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस माने जाते हैं। तो इनका चुनाव जो होता है वो इस पर आर्टिकल 80 होता है। होता क्या है, चुनाव के बाद ये नेता दल ना बदलें, एक दल से दूसरे दल में बार बार घूम टहल के ना जाएं, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लाया गया था। ठीक, इसके तहत क्या है कि एक दल से दूसरे दल में आपको जाना अलाउ नहीं है, कम से कम 1/3 आप जाएंगे, अदरवाइज आपकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। फिर इसमें एक चीज ऐड करी गई, सेक्शन 59 इसमें लाया गया। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 59 इसलिए लाया गया कि ओपन बैलेट के थ्रू करेंगे और आप व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोट कर सकते हैं। इसीलिए आप अभी देख रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में समाजवादी पार्टी के लोग वोट कर रहे थे और यूपी में जितनी सीट्स आनी चाहिए थी बीजेपी को उससे ज़्यादा सीट्स उनके पास आ गई। इसीलिए इस बार एंटी डिफेक्शन लॉ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। बिग कैट्स में तुम्हारी आती क्या क्या है, बिग कैट्स में तुम्हारे आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर एंड चीता। ये नाम आपको याद होने चाहिए कि बिग कैट्स में तुम्हारे कौन आते हैं। ठीक है, बिग कैट्स में आते हैं तुम्हारे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा एंड चीता। ईरान ने भी लॉन्च किया है इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1। पार्स 1 देख रहे हैं, दिस इज पार्स 1 सैटेलाइट ईरान ने भी लॉन्च किया है। लेट मी डू इट राइट, पार्स 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है रशिया से। रशिया के किस स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया है, सोयुज 2.1B लॉन्चर यूज़ किया है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पार्स 1, ये है तुम्हारे रॉकेट का नाम, सोयुज से लॉन्च किया है, ये है तुम्हारे लॉन्चर का नाम। लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किया है ईरान ने, और लॉन्च किया कहाँ से है, लॉन्च किया है रशिया से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिया की लेपर्ड पॉपुलेशन जो है बढ़कर 8% हो गई है, पहले 12,858 थी, 12,852 थी, अब बढ़कर 13,874 हो गई है। एग्जाम में पूछेंगे कितने परसेंट बढ़ गई है, आप बोलेंगे 8%। ठीक, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है उसमें 22% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिजोरम गवर्नमेंट विल नॉट कलेक्ट बायोमेट्रिक डेटा ऑफ रिफ्यूजीज। ओबीसी पैनल सबमिट्स कास्ट सेंसस रिपोर्ट इन कर्नाटका। कास्ट सेंसस को लेके भी बहुत बवाल मचा है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके जो चेयरमैन है उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके चेयरमैन का नाम है के जयप्रकाश हेगड़े, के जयप्रकाश हेगड़े, ये इम्पॉर्टेंट है, नथिंग मोर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस न्यूज़। के जयप्रकाश हेगड़े इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो रिकमेंडेशन वगैरह होती हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में या बैंकिंग SSC वगैरह में ये सब नहीं आता है। ठीक है, जेडेसाई ने अभी न्यू नेम किया है न्यूली डिस्कवर्ड सी स्लब को आफ्टर प्रेसिडेंट, और उसका नाम रखा है मेलानोक्स क्लाइमस द्रौपदी। माफ़ करिएगा अगर मेरी इंग्लिश में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, दिस इज समथिंग मेलानोकलाइमस द्रौपदी। ओके, मदरहुड हम कवर कर चुके हैं टॉपिक, एंड सो अच्छा कुछ और न्यूज़ हैं वे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। जो घाना की पार्लियामेंट ने अभी एक एंटी LGBTQ बिल पास किया है, तो अभी आप ये पूछेंगे कि भैया घाना इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है, तो किस 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 स्टेट की पार्लियामेंट ने NTLGBTQ बिल पास किया है, आपका आंसर होगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मिच मैकोनल टू स्टेप डाउन एज ए रिपब्लिकन लीडर इन यूएस सीनेट, ओके ये हट जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट सर्वेस्ट इस सीनेट लीडर थे तो इसलिए इनका नाम आ सकता है कि भैया विच अमंग द फॉलोइंग यूएस सीनेटर हैज स्टेप डाउन, तो आप आंसर दोगे मिच मैकोनल। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मिजोरम असेंबली ने अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन अगेंस्ट बॉर्डर फेंसिंग, क्यों किया है, क्योंकि म्यांमार से इसकी अच्छी खासी लंबी सीमा है और 16 किलोमीटर अंदर दोनों लोग एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। ये है क्या कि सेम पीपल दोनों तरफ रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं और उनके अपने आपस में कल्चरल मैरिटल रिलेशंस हैं, तो वो किसी भी तरह के फेंसिंग के खिलाफ हैं। ठीक है, सो ये आपकी उद्यमी सुनील मित्तल को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, यशस्वी टेस्ट रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंचे हैं। अच्छी नींद लीजिए वरना आपको मसल डिसफॉर्मिया हो जाएगा। सो ये लास्ट वीक की न्यूज़ है, होप आपको कवर हुई है, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीक के जो करंट अफेयर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीक में ले आएंगे, तो आपको न्यूज़पेपर में जाके अपना माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से आप जुड़ जाइए, सर्च को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली करंट अफेयर्स हम PPT के फॉर्म में डालते हैं, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और उसके बाद जो कुछ बच जाएगा वो हम इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आपको वीकली दे देंगे। सो स्टिक टू दिस रिसोर्स, स्ट्रेटजी PCS जीत की स्ट्रेटजी आपको करंट अफेयर्स के लिए 100% प्रिपेयर करेगी हर एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे।